सो हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करेंगे बेटी यूपी 2024 एग्जाम फॉर्म को लेकर के ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया गया है। आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम तीन टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे, बेटी यूपी के एग्जाम फॉर्म किस तरीके से फिल होता है और कब से कब तक भरा जाएगा, क्या बैक वालों का भरा जाएगा और बैक वालों में किसका भरा जाएगा, रीचेक का रिजल्ट 2024 कब तक आएगा और आपका शेड्यूल जो है वो बदलेगा, ठीक है। तो इसके बारे में हम कम्प्लीटली चर्चा करने वाले हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, अंत तक देख लेना। और ये नोटिफिकेशन कल की डेट में ही जारी कर दिया गया और मेरा एग्ज़ाम चल रहा है तो अभी मैं काफ़ी बिजी था और इसकी वजह से ही आप सभी को अपडेट तुरंत नहीं दिया। बट हाँ, आप सभी के लिए इतना तुरंत पाना भी इम्पोर्टेंट नहीं था, इसलिए आप सभी आराम से इस वीडियो को अंत तक देखिए और सारी चीज़ों को क्लियर कर लीजिए। ज्ञान विद सचिन का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि यहाँ पर नोट्स की पीडीएफ मिल रही है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि आप सारे थ्योरेटिकल पार्ट को आराम से कवर कर पाओगे। अब आपको यहाँ पर सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो प्रीवियस ईयर पेपर मिल रहा है, जिसमें मैथमेटिक्स का और वी डबल ई का मैंने डाल दिया और बता रहा हूँ कि 24 तक मेरा पेपर है, उसके बाद आपको सारे प्रीवियस ईयर पेपर भेज दूँगा, जितने भी हैं उसमें सारे अपलोड कर दूँगा। तो डाउनलोड करके रख लीजिए, अपडेट करते ही आप सभी को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और आप सारे प्रीवियस ईयर पेपर एक दो नहीं डाला हूँ, 2018 से लेकर 2023 तक, यानी आपको सारी क्वेश्चंस का एनालिसिस हो जाएगा प्रॉपरली, ठीक है। तो आराम से आप डाउनलोड कर लेना। और साथ ही साथ अगर आप सेकेंड सेमेस्टर के छात्र हो तो सभी सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण प्रश्न के नोट्स को प्राप्त कर सकते हो। डाउनलोड कीजिए ज्ञान विद सचिन का एप्लीकेशन। अगर कोई दिक्कत आती है तो इस नंबर पर मैसेज या व्हाट्सअप कर लेना। अगर आपका किसी भी सब्जेक्ट में बैक है और आप सेकेंड सेमेस्टर का नोट्स लिए हो तो इस नंबर पे मैसेज कर लेना, आपको उस बैक सब्जेक्ट का भी नोट्स मैं डायरेक्ट व्हाट्सएप पर प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो एप्लीकेशन डाउनलोड करके नोट्स को तुरंत परचेज कर लीजिए, कोई दिक्कत आ रही है तो बताइए। फोर्थ सेमेस्टर मैकेनिकल के छात्र हो तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर लेना। अगर कोई प्रॉब्लम आती है आराम से एप्लीकेशन डाउनलोड करके फोर्थ सेमेस्टर मैकेनिकल को सिलेक्ट करके नोट्स को परचेज कर लीजिए। सिक्स सेमेस्टर के छात्र हो, मैकेनिकल के स्टूडेंट्स हो, आराम से एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, कोई दिक्कत आ रही है इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर लेना, आराम से आपको मैकेनिकल के पूरे नोट्स मिल जाएंगे। तो चलिए फटाक से ले चलते हैं आप सभी को अपनी ऑफिशियल नोटिस के ऊपर। नोटिस कल की ही डेट में 4/5/2024 की है। इसमें है कि आप सभी के जो भी जून माह 2024 में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होना है 22/6/2024 से 14/7/2024 के मध्य में, जिसमें आप सभी का डी फार्मा वालों का यानी डिप्लोमा इन फार्मेसी वालों का भी होगा, ठीक है। तो उसमें ये भी कह दिया गया है कि अगर आपके परीक्षा कार्यक्रम में कोई भी दिक्कत है तो अभी भी उनके पास टाइम है और आराम से उसको चेंज कर सकते हैं। फ़िलहाल कोई भी करेक्शन नहीं है, परीक्षा कार्यक्रम बिल्कुल एक्यूरेट है। और सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन ये है मेरे प्यारे साथियों आप सभी के लिए कि आपका जो भी एग्ज़ाम शेड्यूल है 22 जून को, पहली बार बीटी यूपी में ऐसा होगा कि आपका एग्ज़ाम जो है 22 जून से कंडक्ट होगा। अभी तक के बीटी यूपी के सफ़र में 6-7 सालों के बीच में बीटी यूपी में कभी ऐसा नहीं हुआ कि बीटी यूपी ने शेड्यूल दिया हो और उस शेड्यूल पर एग्ज़ाम हुआ हो, लेकिन 22 जून का जो शेड्यूल है उस पर ही एग्ज़ाम होगा। ना कभी इतना जल्दी एग्ज़ाम फॉर्म भराया गया, मतलब सारा काम टाइम से हो रहा है, कोई भी अनवांटेड अगर कुछ नहीं होता है तो आपका एग्ज़ाम बिल्कुल डेफिनेटली 99.9% 22 जून से स्टार्ट है, उसी शेड्यूल पर होगा, ठीक है। फिलहाल हमको बात करना है कि आपका परीक्षा फॉर्म कब से भरा जा रहा है, तो परीक्षा फॉर्म के बारे में समझ लेते हैं। साथ में यह भी अवगत कराना है कि सम सेमेस्टर ओनली बैक पेपर परीक्षा, ठीक है, ओनली बैक पेपर परीक्षा यहाँ पर हो रही है, ठीक है। जून 2024 हेतु परीक्षा फॉर्म भरने हेतु दिनांक 9 से 15 के बीच में ऑनलाइन पोर्टल खोला जाएगा, ठीक है। संस्था में अध्ययनरत समस्त छात्रों को परीक्षा फॉर्म पोर्टल के माध्यम से भरवाना सुनिश्चित करें, उक्त कार्य में किसी प्रकार की शिथिलता बरती न जाए, ठीक है। अब हम दो तीन मेजर टॉपिक के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। शेड्यूल तो मैंने बता दिया चेंज नहीं होगा, बात करते हैं रीचेक रिजल्ट और एग्जाम फॉर्म के बारे में। देखिए, रीचेक रिजल्ट जो है, बता दूँ आप सभी को कि 25 मई के पहले पहले आप सभी का रीचेक रिजल्ट आ जाएगा, उसको लेकर के आप टेंशन न लें। इसके लिए ही आपका बैक पेपर का शेड्यूल थोड़ा सा भी डिले हो रहा है कि रीचेक का रिजल्ट और बैक पेपर का शेड्यूल कुछ आसपास ही मैच कराया जाए, ठीक है। क्योंकि बैक पेपर का भी उनको पूरा सिस्टम बनाना है कि कितने लोग बैक देंगे, क्या हिसाब है, ठीक है, तो वो सब चीज़ें होंगी। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर बैक का फॉर्म भराते हैं तो रीचेक का रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। रीचेक रिजल्ट में मेरा क्लियर हो जाता है तो क्या होगा, तो देखिए पीछे कुछ दिनों में ऐसा हुआ है मेरे प्यारे साथियों
कि उसमें ये बताया गया है, फिलहाल देखो क्या होता है इस बार, पिछली बार क्या हुआ था, ध्यान से कंडीशन को सुन लो, कि जिसका बैक है, ठीक है, जिसका बैक है और रीचेक डाला है, उसका अगर रीचेक क्लियर हो जाता है, उसने बैक फॉर्म पहले ही भरा लिया, तो बैक फॉर्म जो भी भरा है उसका एडमिट कार्ड में वो सब्जेक्ट नहीं शो हो कराएंगे। पैसा रिटर्न पॉलिसी के बारे में तो कोई अथॉन्टिक जानकारी नहीं मिल पाई, बच्चों से पूछने पर ही पता चलेगा कि रिटर्न हुआ नहीं, क्योंकि 200 रुपये लगते हैं, कॉलेज का मैनेजमेंट क्या करेगा। बट हाँ ये था कि एग्ज़ाम तुम्हें नहीं देना होगा अगर आपका रीचेक में क्लियर हो गया है तो। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई रेवोल्यूशन की रिजल्ट। अब एग्ज़ाम फॉर्म कैसे भराए जाएंगे, एग्ज़ाम फॉर्म भराने का क्या है, आपका एग्ज़ाम फॉर्म डाउनलोड होता है, उसमें बस आपका सिग्नेचर होता है और उसके बाद फिर उसको अपलोड करना होता है टीचरों को, तो आपका काम नहीं, बस आपको बुलाया जाएगा सिग्नेचर के लिए। ठीक है, क्लियर हो गई मेरे प्यारे साथियों बात। तो ये थी आज की अथॉन्टिक अपडेट, कैसी रही ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल, टेक केयर।